व्हाट्स अप गाइस, आई एम ईपी, आई होप यू आर डूइंग वेल। एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। बोल रहा है ए सर्किल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम ए स्क्वायर पीस ऑफ एन अल्मोनियम सीट ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर पीस है अल्मोनियम सीट का। स्क्वायर का प्रॉपर्टीज क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। मान लीजिए कि ए बी सी डी, ये एक स्क्वायर है जो एल्युमिनियम सीट का है, वर्गाकार है। इसमें से क्या बोल रहा है, इसमें से हम सर्किल जो है काट के निकाल लेते हैं, जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है। क्या है, 2 सेंटीमीटर, इसको हमने काट के निकाल लिया। फिर बोल रहा है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्युमिनियम सीट। जो एरिया बचा एल्युमिनियम सीट का, ये निकालने के बाद, इसको निकालने के बाद क्या बचा, ये वाला बचा, तो इसका हमें एरिया निकालना है। तो क्या निकलेगा, देखो फिगर से आपको लग रहा होगा, पहले हम स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, ठीक है, और सर्किल का एरिया निकालेंगे और फिर घटा देंगे। इस पूरे का एरिया निकाल के, इस एरिया को हम देखिए कलर चेंज करते हैं थोड़ा, आपको समझ में आए। इस स्क्वायर का एरिया निकाल के और इस सर्किल के एरिया निकाल के घटा देंगे तो ये वाला एरिया बच जाएगा, ठीक है। तो फिगर आप कैसे बनाइएगा और कैसे लिखिएगा, देखिए ये फिगर आप ऐसे बना दीजिए, उसमें से ये कर दीजिए, यहाँ 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, और ये 2 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ लिखिएगा एरिया ऑफ स्क्वायर सीट लिख दीजिए, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, साइड का स्क्वायर होगा, ठीक है। साइड कितना है, 6 × 6 इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू बोला है 3.14 लेने के लिए, देखिए यहाँ पे बोल दिया है पहले ही 3.14 लेने के लिए, ले लिया हमने। इनटू आर कितना है, 2 × 2 आर स्क्वायर है ना, तो 3.14 इनटू 4 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, करके देखिए 3.14 इनटू 4 कीजिए, 4 × 16 = 6, हाथ में 1 × 4 = 5, 4 × 3 = 12, 1256। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक हो जाए, तो 12.56 हो गया इसका एरिया, इस सर्किल का एरिया हो गया, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, लिखना है, अब लिखिएगा एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इसको टू कितना हो गया, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 12.56 घटा दीजिए। देखिए कैसे घटाएंगे, दशमलव का घटाव आता ही होगा ना, तो 36.00 12.56 से घटाएं, 14 × 10 = 6 = 4, फिर ये 9 बचा, 9 × 5 = 4, 0.5 × 3 = 2 क्योंकि 1 इधर चला गया था, और 3 × 1 = 2, तो कितना हो गया, 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया किसका, इस जो एरिया का जो रिमेनिंग पार्ट है सर्किल वाले छोर को, इसका एरिया हो गया कितना, हो गया 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, यहाँ से पॉज करके वीडियो को, ठीक है। नहीं समझ में आए, जहाँ लिखा हुआ ना समझ में आए तो यहाँ हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, आंसर जरूर मिला लीजिएगा, ठीक है, बाय बाय।